तो राधे राधे। तो आप सभी का प्यार भरा स्वागत है मेरे चैनल में। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल। हरी मूंग दाल की चीना सबसे पहले इसको रात को भिंगो के रखी थी और इसे मैं अच्छे से पीस लूँगी। हल्का पानी डाल के इसको पीसना है। तो यहाँ पर पीस ली हूँ, तैयार हो गया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन और मिर्च, इसको भी मैं अच्छे से पीस कर तब इसके बाद इसमें डालूँगी, ऐड करूँगी। और ये मूंग दाल का चीला है जो काफ़ी हेल्दी भी है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये स्वाद अनुसार नमक जाएगा इसमें। तो ये आप बना सकते हैं, ये खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएंगे। आप इसमें ढेर सारा सब्जी वगैरह डाल के भी बना सकते हैं, जैसे गाजर शिमला मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। मैं इसमें 4 प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज ज़रूर डालिएगा, प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आया है। और सब्जियाँ वगैरह डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं आप, मैं नहीं डाली हूँ, मैं सिर्फ प्याज दे के बना ही रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा बना है यार, इससे मैंने फाइबर मिल जाता है शरीर को, बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, उन्हें भी फाइबर मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों को पॉटी वगैरह ठीक से नहीं होता है वो लोग भी बच्चों को खिला सकते हैं, बच्चे के लिए अच्छा होगा ये। और ये तो सबके लिए मैं बना रही हूँ, सबके लिए ही अच्छा है, हेल्थ के लिए, और खाने में भी काफ़ी स्वाद लगेगा। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ, आशा करती हूँ आपको ये अच्छे लग रही होंगी। और एक बार बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप शाम को भी हल्का नाश्ता में बना सकते हैं, मैं सुबह मॉर्निंग में बना रही हूँ। तो इसे मैं ढक के पकाऊंगी, ढक के करने से अच्छे से पक जाएंगे। लो टू मीडियम में रखेंगे इसे हम। अब इसे मैं पलट दूंगी, तो ये कितना अच्छा कलर आया है। तो इसको ढक के अच्छे से पकाएंगे और काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगता, ये बहुत जल्दी पक जाता है, ऐसा नहीं ढक के बहुत देर तक छोड़ देना है, थोड़ी देर के नहीं ढकना है। और अच्छे से दबाते हुए चारों तरफ इसको सेकेंगे, जिससे अंदर भी अच्छे से ये पक जाए, कच्चापन कहीं ना रहे। तो यहाँ मेरा गर्मा गर्म मूंग दाल चीना रेडी हो गया है, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। अभी उन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा काफ़ी खाने में। ब्लॉग में बने रहिएगा, ये मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन में आपको दिखाई हूँ, पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत मैं किए सुबह से रात तक, क्या ये मैं क्या क्या किए हूँ थोड़ा हल्का झलक दिखाई हूँ उसमें। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पूरा देखेंगे, पूरा एंड तक देखेंगे और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ मेरा नाश्ता तैयार हो गया, जिसे मैं टमाटर सॉस के साथ ये सर्व की हूँ। और ये थोड़ा सा मैंने अपने बेटी के लिए बनाई हूँ, जिसमें प्याज और हरी मिर्च नहीं डाली, वो नहीं पसंद करती है। और ये बचा है थोड़ा रात का रोटी जो है इसको थोड़ा सा मैं गर्म कर लूँगी, चाय के साथ खाएंगे, काफ़ी अच्छा है और ये नष्ट भी नहीं होंगे, रात का बचा हुआ है। तो इसमें थोड़ा हल्का ऑयल और थोड़ा सा नमक यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरह करके अगर आप रोटियों को हल्का सा सेक लेंगे ना, तो रोटी गर्म हो जाएगी, लगेगा ही नहीं कि रात के बाद से रोटी है, और चाय के साथ काफ़ी अच्छी लगेगी। उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में, यहाँ भाभियों को पढ़ाने के लिए अपनी बेटी को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ मैं। 69 आफ्टर 7070 ना, क्या हुआ? 6969 आफ्टर 6969 आफ्टर 7070। वेरी गुड, लिखो 7070। लिखो, अच्छा कोई बात नहीं, अब जगह हो जाएगा, लिख पहले 7 लिखो। जीरो लिखो, हाथ हटाइए। हाँ लिखिए, चलो लिखो उसके बाद लिखो। वेरी गुड, 4242 लिखो, 4242 लिखो। लिखो 4242 लिखो, लिखो 2 लिखो पहले। तो
लोगों पर आने के बाद मैं यहाँ आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैं बनाई थी करी चावल, तो यहाँ पर पकौड़े मैं तल रही हूँ और यहाँ पर मेरा करी पकौड़ा तैयार हो गया है। मैं डिटेल में नहीं शेयर की हूँ, फिर कभी शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी दोपहर की लंच, करी चावल और पोई डाठा की सब्ज़ी। यहाँ पर हमारे यहाँ पोई डाठा हुआ था तो उसी की सब्ज़ी बनाई हूँ। करी है, चावल है और सलाद है। ये शाम की बारी, शाम को मैं यहाँ पर बैठ कर हस्बैंड जी बहुत सारे लीची लेकर आए थे, तो सारे लीचियों को ऐसे तोड़ के मैं एक जगह रख दूँगी, मैंने इसमें रख दूँगी तो मैंने ख़राब नहीं होंगे, फ्रिज में आ भी जाएंगे, पत्ते सहित क्या रखूँ। तो यहाँ पर सब तोड़ दे रही हूँ और यहाँ पर देखिए सारे मैं तोड़ दी हूँ, गमले में रख दी हूँ। अब इसमें फ्रिज में रखने में सुविधा हो जाएगी और देखने में कितने प्यारे लगते हैं ना लीची। किसे किसे पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर है सब्ज़ी वगैरह, हमारे यहाँ 1 वीक का सब्ज़ी एक बार में आ जाता है, जैसे आलू प्याज हरी सब्ज़ी सारी चीज़ें हस्बैंड जी एक बार में ला देते हैं, तो 1 वीक तक चलता है। तो उनका ऑफिस रहता है तो रोज़ नहीं ला पाते, इसीलिए एक ही बार आ जाता है हफ्ते में एक बार। तो सारी चीज़ों को मैं अरेंज कर दूँगी, सारी चीज़ों को जगह पर मैं रख दूँगी, ऑनियन को एक जगह, पोटैटो एक जगह, अदरक सारी चीज़ों को सब्ज़ी वगैरह मैं रख चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं उन्हें दिखाई हूँ। बस प्याज आलू ही रख गया है देखा रखना, तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह मैं रख दे रही हूँ। तो हमारे यहाँ यही सिस्टम है, सप्ते में हस्बैंड जी एक बार में ही सब ला देते हैं, उसी को सप्ताह भर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि रोज़ रोज लाने का उन्हें टाइम नहीं है, उन्हें ऑफिस रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह कागज़ से मैं बनाई हूँ, अलग से पार्टीशन ली हूँ कि प्याज और लहसुन मिक्स ना हो भूल के। यहाँ पर इस तरह मैं गार्लिक वगैरह रख दूँगी और आलू वगैरह को भी यहाँ पर खाली कर दे रही हूँ डालकर। तो ये था मेरा, मैंने अब रात की रोटी बनाऊँगी। डिनर में हमारे यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ, बरबट्टी आलू की सब्ज़ी रोटी बना रही हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आशा करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर पूरा एंड तक देखें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट इस तरह दीजिए कि मैं और भी डेली ब्लॉग में डाल पाऊँ और हर रोज़ एक नया ब्लॉग लेके आ पाऊँ। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।